हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियन का एक और एक्साइटिंग पार्ट। और अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैशटैग के जरिए या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के जरिए भी आप इससे पहले के और इसके बाद के आने वाले एपिसोड भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सालों पहले कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी भी इंसान के लिए सहन करना बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं थी। यहाँ पर मैट मर्डॉक और उसके साथी कुछ विलन से लड़ रहे थे और उनके साथ द स्टिक था। द स्टिक कुछ एनर्जीज अपने बॉडी के थ्रू पास कर रहा था। तब मैट मर्डॉक से कोई कहता है कि ये एनर्जीज जो कि दो स्कोर्स की है ह्यूमन सोल के लिए कंटेन करना काफी मुश्किल है। और ये सही भी था क्योंकि इसकी वजह से मैं वहीं पर मर गया और मैं इंतजार करता रहा क्योंकि मेरे पास और कोई काम भी नहीं था। लेकिन कुछ लोग होते ही इडियट्स हैं। और कुछ हफ्ते पहले बैटल रियल में माइस्ट्रो और कलेक्टर किसी सुपर हीरो को बुला रहे थे या फिर किसी सुपर हीरो को रेजरेक्ट कर रहे थे और वो कोई और नहीं बल्कि द स्टिक था। और इस वजह से उसका आइजोस्फीयर आधे से भी कम रह गया था। उन्होंने मुझे बुलाया अपनी स्टूपिड गेम खेलने के लिए। वो फूल चाहते थे कि मैं कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करूं, इसीलिए उन्होंने मुझे डार्क से वापस लेकर आए। और जहाँ पर कुछ नहीं था सिवाय डीप डार्क के, वो लोग मुझे वहां से निकाल लाए। मैं आउट ऑफ नथिंग और नोवेयर से वापस आया। और मेरे ख्याल से ये बताना काफी होगा, आज के समय में अरीना में जहाँ पर गुलोटिन और बुलसाय एक दूसरे से लड़ रहे थे, गुलोटिन जोश के मारे उस पर वार तो कर रही थी लेकिन बुलसाय ने उसे नियता कर दिया था। और वो उसे कहती है कि अपने दुश्मन को अपनी तलवार से अलग करो। सबसे पहले चीज मैंने यही सीखी थी और हार्डली बहुत काम में आने वाली तरकीब है। और तुम्हारे लिए तुम्हारी स्किल मैजिक है लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक खिलौना है। और वो एक कार्ड उसकी तरफ फेंकती है लेकिन तभी टिक निस्टिक की मदद से उस कार्ड को वहीं पर रोक लेता है और कहता है और मैं कुछ चीजों में बेहतर हूँ, जैसे कि नोवेयर से वापस आना। और वो बुलसाय को गुलेटिन से दूर कर देता है और गुलेटिन को वहां से जाने के लिए कहता है और बताता है कि यहाँ से जल्दी जाओ। लेकिन गुलेटिन कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तब वो कहता है यहाँ पर नहीं बल्कि साउथ ब्लॉक की तरफ काफी हेल्पफुल साबित हो सकती हो, या फिर यहीं पर रुको और हम दोनों के मरने की वजह बनो। लेकिन गुलोटिन वहां से जाते हुए कहती है बुलसाय याद रखना ये अभी खत्म नहीं हुआ। तब बुलसाय कहती है हाँ जब हम मिले तभी ये खत्म हो चुका था, लेकिन इस भुट्टे की वजह से तुम ये मत समझना कि तुम बच गई, ये फाइट हम दोबारा नहीं लड़ेंगे याद रखना। सेंट्री जो कि एलिस को समझाने की कोशिश कर रहा था और उससे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो कहता है कि मेरी फिस्ट तुमसे बात करना चाहती है। तब वो कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे एनिमीज हो ही नहीं सकते, हम तुम्हारी दुनिया में एनिमीज हो सकते हैं और वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ किया क्या है। तब एरिस कहता है तुमने मुझे मारा अपने हाथों के साथ, दो हिस्सों में बांट के फाड़ दिया। तब वो कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि मेरे कोर्स है किलिंग के खिलाफ और मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब वो कहता है तुमने किया और मैंने तुम्हारा वो डीमन फेस देखा जो कि तुम असलियत में हो। तब हैरान होकर सेंट्री कहता है नहीं क्या हूँ मैं सेंट्री हूँ और मैंने किसी को नहीं मारा। तब वो कहता है कौन हो तुम। तब वो कहता है नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, मैं रॉब रेनॉल्ड्स हूँ और मैं फिर से वॉइड नहीं बन सकता। लेकिन तब तक वॉइड उसके दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर चुका था। और ये सुनकर एरिस कहता है मैंने वॉइड का मेंशन भी नहीं किया। लेकिन तब तक वो गुस्से में आ चुका था और एक ही पंच में एरिस कई बिल्डिंग दूर जाकर गिरता है। यहाँ पर अभी भी स्टिक और बुलसाय लड़ने के लिए तैयार थे और वो कह रहा था कि तुम अभी भी इससे बच सकती हो। लेकिन वो कहती है मुझे झूठ मत बोलो क्योंकि मुझे पता है कि इससे वापस नहीं जा सकता और यही तुमने मुझे सिखाया है। तब स्टिक कहता है मैं नहीं, कोई अदर मी जो कि तुम्हारे वर्ल्ड से था और वो इतना बेवकूफ था कि वो तुम्हें जिंदा रहने के लिए छोड़ गया। तब वो कहती है हाँ लेकिन तब तक मैं मैट मर्डॉक को मार चुकी थी जो कि मुझे अपने दिल से प्यार करता था, तब तक जब तक उसके दिल के आर पार मेरी तलवार नहीं गई। और तब वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, तब उसी के स्टिक पर बैठकर वो उसे मारने के लिए ट्राई करती है लेकिन स्टिक अपनी स्टिक छोड़कर उसके उन दोनों चाकू को पकड़ लेता है और कहता है नई ट्रिक पकड़ो उठाओ पीछे झुको और फ्लिप मार के उसी को मार दो और हो गया। और वो कहता है न्यू लेसन, अपने और अपने एनिमी के वेपन पर कभी डिपेंडेंट मत रहो।
क्योंकि वो कभी भी धोखा दे सकते हैं। और वो उसे मारने ही वाला था कि तभी सेंट्री वहां पर आते हुए कहता है, यहाँ पर आज कोई नहीं मरेगा, जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई नहीं, और मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे एंग्री करना चाहोगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वेनम यहाँ पर गमोना को मारने ही वाला था, लेकिन यहाँ पर ये देखकर ग्रैंड मास्टर बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उठो गमोरा, मारो उसे। तब मास्टर उसे बताता है कि वो मरने वाली है, तुम्हें लगता है कि वो उसके सामने टिकेगी? तो वो कहता है कि इस बार कुछ भी हो ये मेरी समनर है। तब वो बताता है गार्डन ऑफ गैलेक्सी जो कि फ्रेंड से रूरल ऑफ पार्टिक्स वो मिसिंग है, और तुम्हें नहीं लगता कि वो उसे ढूंढने के लिए यहाँ तक भी आएंगे? तो तुम चाहते हो कि वो लोग यहाँ पर आए या फिर उसे घर भेजोगे? और वो ये सुनकर गमोना को घर भेजने के लिए तैयार हो जाता है, पर मास्टर से कहता है तुमने ये तो करने के लिए मुझे मना लिया, लेकिन अब हमारे कंटेस्टेंट्स का क्या? तब वो कहता है फिफ्थ मेंबर व्हाइट फॉक्स हमारे स्क्वाड में अभी भी है, शायद तुम जानते नहीं लेकिन मुझे पता है कि आगे क्या करना है। यहाँ पर जैसे ही गमोना गायब हो जाती है, गुलोटिन सबसे पहले एडी ब्रॉक को बेहोश करती है, एडी ब्रॉक के सर पर अपनी तलवार का हैंडल मारती है और आगे बढ़ती है वेनम को मारने के लिए, लेकिन गुलोटिन की तलवार कहती है नहीं, ब्लड एलियन नहीं, अनक्लीन। तब वो तलवार से कहती है क्या तुम इसे नहीं मार सकती, तुम्हारा मतलब क्या है? और तभी हम देखते हैं टीन हल्क जो कि वेनम सिम्बियोट के साथ मर्ज हो चुका था वो अब निकल जाता है, और यहाँ पर ये देखकर एडी ब्रॉक कहता है कि बिना सिम्बियोट के मैं और पीटर हम दोनों ही यहाँ पर है बिना किसी पावर के। लेकिन ये सुनकर वो फिर से उसके सर पर हैंडल मारते हुए कहती है और इस चीज के लिए कोई ना कोई जरूर पे करेगा, और वो बेहोश होते ही वो लोग गेम जीत जाते हैं। और सेंट्री को बेहोश करके स्टिक वहां पर आ चुका था और वो आते हुए सेंट्री को भी लेकर आया था। ये देखकर एरिस कहता है मेरा सर चकरा रहा है अभी भी इसके मुक्के से, और तुमने सेंट्री को हरा दिया, तुमने ये कैसे किया? तो स्टिक कहता है वक्त आने पर तुम जान जाओगे, क्योंकि उनकी टीम जीत चुकी थी तो ग्रैंड मास्टर काफी खुश था और वो कह रहा था तुम लोगों ने काफी अच्छा किया, जितना मैंने सोचा था उससे तो काफी बढ़िया। और तब वो अपने आइसोस्फीयर की तरफ देखते हुए कहता है और ये आइसोस्फीयर काफी भरने लगा है और इसी वजह से मैं काफी खुश हूँ, तुम्हारी अगली फाइट 1 घंटे में होगी। तब एरिस कहता है तुम पागल हो, आर्मी को रेस्ट की जरूरत होती है। तब वो कहता है हाँ, क्रिस्टल प्रिजन में तुम रेस्ट कर सकते हो आउटलॉ की तरह, और वो आगे बताता है और मेरे अपोनेंट ग्रैंड मास्टर ने एक्सेलरेट कर दिया है इन चीजों को थोड़ा सा, उसने ऑल अगेंस्ट ऑल चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है और इसी के साथ हम जीतेंगे। तब ग्लोटिन कहती है लेकिन तुम्हें कैसे पता? तब कोई कहता है क्योंकि अब तुम्हारी टीम में मैं हूँ। और तब उन्हें ज्वाइन करते हुए माइस्ट्रो कहता है हाँ, माइस्ट्रो अब कॉन्टेस्ट में लड़ेगा, और अगर तुम्हारे लिए यही काफी नहीं है तो मेरे टीममेट से मिलो, ये मैन है जो कि स्ट्रेस देता है मुझे काफी हद तक, तो जाओ अपने स्केटबोर्ड के साथ नाइट ट्रैशर। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ अगर आपके पास इस वीडियो के अलावा और कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है तो भी मुझे कमेंट करें, और इम्प्रूवमेंट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।